एक बड़ी जिम्मेदारी की फिल्म है जैसे आ, बाकी फिल्में आप, आपके लिए होती है, आप सबने इसमें सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इसमें जरा भी इधर उधर नहीं कर सकते ना, उनकी एक वर्दी का भी सेंटिमेंट है देश का भी सेंटिमेंट है और सेना हिंदुस्तान में एक ऐसा संस्थान है कि पिछले सत्तर सालों में जिसने सदा हमें अभिमान के क्षण दिए

एक ना आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती आ, है क्या बात है, वो! और, क्या बात है वो जादू है उस यूनिफॉर्म में और आपको पहनने के बाद आपको एहसास होता है कि यार ये यूनिफॉर्म ये मुझे पहनने का मौका मिल रहा है मेरे प्रोफेशन की वजह से पर जो असलियत में ये यूनिफॉर्म पहनते हैं वो ये यूनिफॉर्म कमाते हैं वो वो बैरे कमाते हैं वो वो मेडल कमाते हैं कई बार अपनी जीवन देकर कमाते हैं इस बार तो आपने काफी मेहनत की हेलीकॉप्टर से कूदे आप लोग पहाड़ पे चढ़े ये हुआ फन था ये थका थकाने वाला था मजा था कि थकाने वाला था देखिए आर्मी की ट्रेनिंग थका आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग छोटा सा किस्सा सॉरी मैं राजी शूट कर रहा था हम पटियाला के कंटोनमेंट में शूट कर रहे थे तो वहाँ पे रात का समय था हम शूट हमारी शूट साढ़े नौ बजे के करीब ख़त्म हो रही थी और वहाँ पे जो हाथी रेजिमेंट पोस्टेड थी और उन्होंने कहा था हम आपको डिनर पे होस्ट करना चाहते हैं प्लीज़ हमारी रेजिमेंट के साथ आप डिनर कीजिए तो हम गए उनके साथ डिनर किया और काफ़ी अच्छा माहौल बना तीन बजे तक हम पार्टी चल रही है खूब फैसिनेटिंग स्टोरी शेयर कर रहे हैं उनके प्रोबेशन पीरियड के जो जो मिशन पे गए थे तो एक बार आप आर्मी की किस्से सुने सुनना शुरू करें तो रात कब बीत जाती पता नहीं लगता तीन बज गए थे और एक जवान सा डेट था छब्बीस साल का था मुझसे छोटा ही था कैप्टन था उस, और आ, तो कह रहा था कि कल का आपका क्या प्रोग्राम है तो हमने कहा कल यार फाइनली बहुत दिनों बाद हमें छुट्टी मिली है तो कल तो हम खींच के सोएंगे आराम करेंगे तो मैंने कहा यार आपका क्या प्लान है टाइम हो चुका था साढ़े तीन चार बजे कह रहा था कुछ नहीं टाइम क्या हुआ है मैंने कहा यार साढ़े तीन बजे कहते कुछ नहीं पाँच बजे पच्चीस किलोमीटर की दौड़ है उसके बाद ये ड्रिल है फलाना ड्रिल है फलाना ड्रिल है फलाना और मैं गिल्ड में चला गया मैंने कहा यार भाई पहले बता देता मैं हम जल्दी चले जाते हम यहाँ फसर पड़े तो कहते तो उन्होंने उस 26 वर्षीय कैप्टन ने उसके बाद जो मेरे से कहा था वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और मुस्कान के साथ उसने कहा था कि नहीं नहीं हम आज को आज की तरह जीते क्योंकि हमें नहीं पता कल हम कब हमारी तस्वीर अखबार में आ आए हाय आए हाय